Hey, you click my video, so thank you so much. Here is Sameen and welcome on my channel. This is for you and especially for you, Kashi's eye makeup tutorial. So let's start the video. तो सबसे पहले मैं मिस रोज़ का ये हाइलाइटर लूँगी, 01 इसका नंबर है, ठीक है। इसको अपनी ब्रो बोन पे और इसके बाद इनर आई पे मैं इस तरह सारा हाईलाइट कर लूँगी। अब एक टेप ले ली है और आई से थोड़ा सा नीचे करके मैंने इसको फिक्स कर देना है। आपकी टेप बहुत ज़्यादा स्टिकी और अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सिल्क एंड स्लीक से मैं फ्लोरी शेड लूँगी। ओके, वन मोर थिंग कि इसकी बेस बहुत अच्छी बनी, मैंने काशीज की सफायर से बनाई और इसी पैलेट को यूज़ करते हुए मैंने आईब्रोज बना ली हैं। बट हमारा कैमरा इतना करीब है कि इसे हमारी पूरी स्किन के पोर्स और ये वो सारा टेक्सचर नज़र आ रहा है। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आप तो दूर रह के मेकअप करेंगे तो इसलिए आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं लिलिक शेड ले रही हूँ, बिल्कुल लाइट सा लेंगे क्योंकि आपको पता है काशी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कलर बहुत ही ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड होते हैं, हल्का सा लेके बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, थोड़ा थोड़ा शेड लेना, बहुत ज़्यादा लेके ये मेकअप मैसी हो जाएगा क्योंकि ये स्मोकी मेकअप है। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मेरे मेकअप बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप है, मेरे चैनल पे आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। अब मैं आगे पियोने शेड है सिल्क एंड स्लीक से, यही शेड मैं यूज़ करूँगी और इस तरह फिंगर पर लेके तो मैं मिड एरिया में अपनी पूरी जो मेरी एक क्या कहते हैं आईबॉल का एरिया है उस पर मैं अप्लाई कर दूँगी अच्छे से इस तरह। आपने ज़्यादा इसे मैसी नहीं करना, बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं वही ब्रश यूज़ करके कि हार्श जो एजेस बन गए उनको मैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म कर दूँगी। अब मैं हार्मनी लूँगी शेड और इस शेड को भी मैं इसी किट से लूँगी और एक आउटर वी बना लूँगी, वी टाइप, और एक बारीक पेंसिल ब्रश की मदद से इसको मैं ऐसे ब्लेंड करूँगी। अब मिस रोज के ग्लिटर्स लिए हैं तो इस बार मैं ये ब्रश ट्राई कर रही थी कि मैं भी ब्रश से लग जाए क्योंकि ऑलरेडी उस पर ब्लू कलर बहुत फिंगर पे लगा था, बट ये नहीं हुए तो फिर मैंने इसको फिंगर से ही किया और ये फिंगर से ही बहुत बेस्ट लगते हैं। तो आप बिल्कुल ट्राई ना करिएगा इसको लगाने के लिए ब्रश से, ठीक है। और ये देखें जी कितनी कमाल लुक आई है और आपको ये मेकअप इतना अच्छा लगने वाला है ना, आप बस एक दफ़ा करके देखें। अब उसके बाद मैं ये वाला लाइनर लूँगी और थोड़ा एक ड्रॉप पानी डाला होगा, उसके बाद मैंने लाइनर को कर लिया सेट। तो सबसे पहले हमने बिल्कुल बेसिक लाइनर लगाना है और घबराने की ज़रूरत नहीं है, लाइनर यहाँ पे नज़र आ जाएगा क्योंकि जैसा कि हमारा डार्क स्मोकी है तो स्मोकी के ऊपर लाइनर बहुत ही मुश्किल है कि जो नुमाया हो, ये ज़्यादातर नुमाया नहीं होता, इसका बस एज नुमाया होना है और उसी से इस मेकअप की नीटनेस आनी है। तो जी ये हो गया इतना। अब मैं साइड पे अपना फेस थोड़ा मैंने कर लिया ताकि आप लोग बिल्कुल क्लियरली देखें। देखिए बिल्कुल इसको स्ट्रेट खींच के हमने उस टेप तक ले जाना है, उसके बाद हम ऐसे इसको ऊपर की तरफ करेंगे और एक ही दफ़ा आपने ऊपर की तरफ करना है वरना बहुत मैसी हो जाएगा। और नोक को थोड़ा सा छोड़ के, बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ के नीचे से आपने आना है और बिल्कुल एज को जोड़ देना है, बस ये ट्रिक है काशी की। और ये देखें हमने उतारा है और कितना ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये सेम लगा है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मेकअप वाइप लिया, आप बेबी वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेस्ट होते हैं। तो जितनी भी वो स्टिकी टेप बहुत ज़्यादा स्टिकी थी तो उसके अलावा क्या कहते हैं ये शेड ने भी थोड़ा मैसी किया, तो सारा मैं क्लीन कर लूँगी। आप लोग बेस बाद में भी बना लीजिएगा और हाईलाइट थोड़ा सा मैं हाईलाइट और करूँगी अपनी ब्रो बोन को, और साथ ही मैंने कंसीलर ले लिया है और कंसीलर को अच्छे से अप्लाई करूँगी और यहाँ से एक शार्प लुक के लिए मैं इस तरह कंसीलर लगाऊँगी, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आपने ये काम करना है, मैसी ना हो। कंसीलर से ब्लेंड करने के बाद इसको मैं फेस पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी आप लगाना चाहें लगा के इसको सेटल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी ये देखिए थोड़ा, अब नेक्स्ट मैंने मिस रोज़ की किट से ग्लिटर लूँगी और ग्लिटर को किसी भी ब्रश के ऊपर आप ले सकते हैं और इस तरह हमने इनर आई पर लगाना है क्योंकि काशिश के मेकअप में बहुत ही खूबसूरत एक ग्लो कर रहे हैं इनर आई, ठीक है। अब मैंने मस्कारा ले लिया मैक्स एंड मोर का, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो लें। 3D लैशेज मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी तो ये मैंने ली है, और साथ ही साथ मैंने ग्लैमरस की ग्लू यूज़ की है और इस तरह मैंने इनको अटैच करना है, पहले आउटर भी फिर इनर से। साथ ही मैं ये एक लेके
कॉटन बड से इसको मैं क्लीन करूँगी ताकि मेरा जो वाइट मैंने लगाना है वो अच्छे से हो जाए। कॉटन बड की दूसरी साइड को हम कैसे भूल सकती हैं जी, इससे मैंने बिल्कुल लाइट सा कलर लेके अपनी लोअर लैश लाइन को हाफ हाफ ये कलर लगाना है और उसके बाद इसकी थोड़ी सी इसी से ही ब्लेंडिंग करके आपने इसको सेटल कर लेना है। कमाल का मेकअप लुक है, कमाल का है, आपको बहुत पसंद आना है, ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा इसको मैं ब्रश से ब्लेंड करने के बाद ये देखिए वाइट ले लिया है मैंने काशीस का वाइट, जो उनका जेल लाइनर है वो लो के वाटर लाइन पर लगाऊंगी। मस्कारे की बड़ी ट्रिकी है कि काशीस तो लगाते हैं नीचे लोअर की एक्सटेंशंस या फिर लैशेज, हमारे पास नहीं है तो हमने इस तरह मस्कारे को लेना है और 3 से 4 बार लेके इस तरह मस्कारे को वहाँ पर छोड़ना है, तो हमारी ये लुक आएगी कि हमने जैसे और लैश पे भी एक्सटेंशंस लगाई हों। तो ये बहुत ही कमाल ट्रिप है, आपने हमेशा काशी के मेकअप के साथ इस तरह लोअर लैश पे, इससे बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग जाता है। तो मेकअप है रेडी, आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। कोई फिल्टर यूज़ नहीं हुआ, कुछ नहीं यूज़ हुआ, ये नेचुरल मेकअप है जैसा हुआ है। और आई होप सो कि वीडियो पसंद आई है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, लाइफ विद समीन मेरा आईडी है, स्नैक पे मेरा आईडी है लाइफ विद समीन, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें और फिर जाइएगा ताकि मुझे पता चल जाए मेरे व्यूअर्स कितने कितने प्यारे हैं। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।